इसी महीने 14 तारीख को आधार ताल में एक युवती की लाश मिली थी जो लगभग नग्न अवस्था में थी। जैसे ही पुलिस की सूचना मिली मौके पर तत्काल थाना प्रभारी आधार ताल CSP आधार ताल पहुँचे और उसके पश्चात पुलिस अधीक्षक जबलपुर और मैं हम लोग भी वहाँ घटनास्थल पर गए थे। इसके बाद हमने टीम बनाई गई, TI साहब के नेतृत्व में एक टीम बनाई और उसको पता करने के लिए, अपराधी पतासाजी करने के लिए हम शुरू किए। महिला अज्ञात थी। अगले ही दिन TI अनुगत्ता और इनके स्टाफ ने मेहनत करके पता किया कि महिला कौन है और इसके बाद प्रथम दृष्टया जो वहाँ पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे कि उसके कपड़े उतार के पीछे गोबर फेंक दिए गए थे, लाश नग्न अवस्था में थी, इन सब बातों को लेकर 300 का केस रजिस्टर किया गया। और जब उसकी बहुत ही बारीकी से वहाँ पे होटल वालों से, पड़ोस वालों से, मोहल्ले वालों से सबसे बात करके पता चला कि ये महिला जो है ये एक तो अपने घर से, मायके से और ससुराल से काफ़ी सालों से 3-4 दिन के लिए कहीं भी चली जाती थी, बिना बताए फिर लौट के आ जाती थी, इस तरीके का अपना रूटीन था इसका। तो ये महिला जब घर नहीं पहुंचती तो घर वाले चिंता नहीं करते, लगता था चली जाती और आ जाएगी। इस बार भी यही हुआ, घर वालों को कुछ पता नहीं चला। जब पुलिस ने उनको बताया और जो पहचान की बातें आई उससे पता चला कि महिला जो है वही महिला है जो ऋषि नगर की रहने वाली थी और जिसका मायका सागर में था। उस महिला के 2 सो कॉल्ड जो मित्र थे ये उसके रात में साथ में थे। इन्होंने ढाबे में बैठ के शराब का सेवन किया, महिला भी शराब का सेवन करती थी। और इसके बाद जो भी इनकी बात हुई है उस प्लॉट पर यहाँ पर इन्होंने पहले तो उन्होंने उसके साथ गलत काम भी करता रहा और उसके बाद उन्होंने उसके गला दबा के हत्या कर दी। इसमें से हमने एक आरोपी गंगागिरी को गिरफ्तार कर लिया है, एक अन्य आरोपी कुंडम का अजय गौड़ अभी फरार है, पुलिस उसकी तलाश में गई हुई है और शीघ्र भी उसको गिरफ्तार करेंगे। इसमें चक्षुदर्शी सभा और कई एविडेंस और हमको मिल चुके हैं। महिला के पास से जो एक लॉकेट गया था वो भी पुलिस को प्राप्त हो गया है। पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है, दूसरे मरीजों को शीघ्र गिरफ्तार करके चालान पेश करेगी। जब ये लाश मिली थी उस समय शरीर पर चोट के निशान थे और प्राइवेट पार्ट्स में भी चोट के निशान थे, क्या हैवानियत के ऐसे कोई साक्ष्य मिले? देखिए महिला के संग गलत किया ऐसा तो खुद उन्होंने माना कि हम लोग उसके संबंध थे, ऐसा उनका कहना था, पुराने संबंध थे उसके, वो लोग मित्र थे। और कुछ बात ऐसी है जिस पे ये घटना हुई है और उन्होंने उसको हत्या कर दी थी। कि दोनों आरोपी मूल रूप से करते क्या थे? दोनों आरोपी वहीं के रहने वाले, एक कुल्लम का रहने वाला और गंगा जो है वो जो घटना सर अगर आपने देखा हुआ डेयरी जो है वहीं पे काम करता था। इसमें जो गंगा है उसके ऊपर 7-8 मुकदमे रजिस्टर है, पहले भी जेल में सजा काट चुका है 5 साल की। और दूसरा आरोपी जो है वो भी लूट का अपराधी है और उसके ऊपर भी कई अपराध है। हत्या का कारण अधिक दारू गोरी में झगड़ा होना है और कुछ नहीं।